चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्कॉच अगेंस्ट गैम्बिट, स्कॉच गैम्बिट के सामने कैसे खेला जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएशन बताए थे स्कॉच गैम्बिट में, नाइट D4 के बारे में और नाइट B5 के बारे में। जैसे कि E4, E5, नाइट C3, नाइट C6, D4, ये होती है स्कॉच गैम्बिट। और E takes D4 देन Knight takes D4, और इसके बाद Bishop C5 हमने खेला था, Bishop C5 वेरिएशन। और जहाँ पे मैंने आपको दो वेरिएशन बताए हैं जो आपको अगर याद रह गए तो बहुत ही अच्छा है, Bishop E3 वाला वेरिएशन और दूसरा वेरिएशन Bishop E3 के बाद Queen F6, और दूसरा वेरिएशन C3 वाला वेरिएशन, और दूसरा एक और वेरिएशन जो बहुत ही ज़्यादा खेला गया है, Knight B5 वाला। और इसके बारे में सभी डिटेल में आपको मैंने बताया था दोस्तों। यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे Knight D5 तो सही है, लेकिन कुछ लोग Knight F6 खेलना चाहते हैं, तो Knight F6 भी आप खेल सकते हो, तो उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। और एक और वेरिएशन है Knight D4 के अलावा, Bishop C4 जो बहुत ही ज़्यादा खेला गया है, तो इसके बारे में भी मैं आज बताऊंगा। तो पूरा स्कॉच गैम्बिट, हाउ टू प्ले अगेंस्ट स्कॉच, कंप्लीट आज के वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे Knight D4 और हम खेलना चाहते हैं अगर Knight F6, तो यहाँ पे दो वेरिएशन है, Knight takes C6 और तीसरा दूसरा है E5, जो ज्यादा कॉमन मूव है, E5 ज्यादा चलने वाला है। क्या होता है अगर Knight takes C6 करता है, तो सिंपल Bishop takes C6 और Bishop D3, एक ये वेरिएशन है Bishop D3, इसमें आपको खेलना है D5। दूसरा वेरिएशन में बताऊंगा आपको E5 एडवांस वेरिएशन। तो यहाँ ध्यान रखिए कि अगर व्हाइट ने नाइट एक्सचेंज कर लिया तो आपको यहाँ पे D5 करना है। D5 में व्हाइट का मोस्ट पावरफुल रिप्लाई है E5, और यहाँ आपको खेलना है Knight G4। Knight G4 के बाद व्हाइट करेगा कैसल, और यहाँ आपको खेलना है Bishop C5। अब जैसे कि F2 पे पिनिंग भी है और अटैक भी है, तो Bishop C5 के बाद व्हाइट खेलेगा Queen E2, और यहाँ सिंपल Queen E7 स्पॉन पे डबल अटैक। Queen E7 के बाद Bishop F4, व्हाइट उसे सेव करना चाहेगा क्योंकि F4 पॉसिबल नहीं है, F4 पॉन ऑलरेडी पिन हो चुका है। तो Bishop F4 के रिप्लाई में यहाँ आपको देना है G5, और ऑब्वियस मूव है जो Bishop G3, इस पॉन को सपोर्ट रखना, और यहाँ H5। अब ये पोजीशन कंप्लीटली ब्लैक के फेवर में है, और इस पोजीशन में आप देख सकते हो कि ग्राफ भी ब्लैक के फेवर में यहाँ दिखाई दे रहा है, -0.63 करीब। तो ये गेम ब्लैक की ओर से आप जीत सकते हो आराम से। BG3 के बजाय एक और मूव है Bishop G2, मतलब Bishop D2। तो BD2 में सिंपल Knight cross E5 हो जाता है, Rook E1 व्हाइट खेलेगा, और यहाँ पे Bishop D6 और नाइट को सपोर्ट कर दो, और ये F4 अब इफेक्टिव नहीं रहेगा क्योंकि पॉन टेक्स पॉन हो रहा है। तो BD6 के बाद व्हाइट खेलेगा Bishop C3, नाइट को पिन करके अटैक बढ़ाएगा, सिंपल F6 कर देना है और Knight D2। और इस गेम में आप शॉर्ट कैसलिंग करके खेल सकते हो क्योंकि कुछ भी अटैक आने वाला नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सारे डिफेंस आपके नजदीक में हैं और डेवलप भी आपका काफी खतरनाक हो चुका है। तो दोस्तों, ये BD3 Knight C6 वाला वेरिएशन समझ लीजिए ध्यान से। अब दूसरा वेरिएशन देखते हैं, Knight C6 नहीं करे, और यहाँ पे Knight D4 भी नहीं किया सपोज, फिफ्थ मूव में सॉरी नाइट टेक्स हाँ Knight F6 के बाद Knight C6 नहीं किया और यहाँ पे E5 कर दिया, तो आप क्या करोगे? E5 में आपको यहाँ सिंपल रिप्लाई देना है Queen E7। सॉरी, यहाँ पे Knight D4 के बदले E5 कर दिया इस पोजीशन में,
नाइट डी फोर के बदले व्हाइट ने अगर ई फाइव कर दिया तो यहाँ आपको खेलना है क्वीन ई सेवन और व्हाइट खेलेगा क्वीन ई टू, क्योंकि पॉन पे आपने डबल अटैक कर दिया है ऑलरेडी। तो क्वीन ई टू के रिप्लाई में नाइट क्वीन ई टू के रिप्लाई में सिंपल डी सिक्स करके आप खेल सकते हो। दूसरा वेरिएशन देखते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा मेन लाइन कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे नाइट डी फोर, नाइट एफ सिक्स, देन नाइट सी सिक्स, बी सी सिक्स के बाद तुरंत यहाँ पे ई फाइव, बी डी थ्री के बदले व्हाइट अगर यहाँ पे ई फाइव करता है तो यहाँ आपको रिप्लाई देना है क्वीन ई सेवन, क्वीन ई सेवन के बाद व्हाइट रिप्लाई देगा क्वीन ई टू और यहाँ नाइट टू डी फाइव, नाइट डी फाइव के बाद व्हाइट सी फोर और सी फोर के रिप्लाई में यहाँ पे आपको बिशप ए सिक्स, अब ये पॉन पिन कर रहे हो तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है व्हाइट के लिए क्वीन ई फोर और फिर नाइट टू बी फोर आइडिया, नाइट सी टू और नाइट बी फोर के रिप्लाई में अगर व्हाइट ने यहाँ पे ए थ्री कर दिया तो काउंटर अटैक में आपको डी फाइव खेलना है, डी फाइव के बाद ई टेक्स डी फाइव, सॉरी सी टेक्स डी फाइव और सी टेक्स डी फाइव में फिर से सी टेक्स डी फाइव और यहाँ पे क्वीन टेक्स बी फोर, क्वीन बी फोर और सिंपली क्वीन टू ई फाइव, अब ब्लैक विल विन सिंपली गेम आफ्टर बिशप टेक्स बी फोर। तो ये पॉसिबल नहीं है क्वीन बी फोर। चलिए ए थ्री के बदले और क्या रिप्लाई है, अगर यहाँ पे ए थ्री नहीं किया व्हाइट ने सिंपल डेवलप किया नाइट टू सी थ्री तो आपको यहाँ खेलना है रुक डी एट, उसके बाद ए थ्री किया तो फिर से वही डी फाइव, सेम पोजीशन आएगी, इसलिए अगर व्हाइट यहाँ क्वीन टू बी वन करता है तो क्वीन ई फाइव चेक, बिशप ई टू और यहाँ पे डी फोर, ए टेक्स बी फोर, पॉन टेक्स, पॉन कर सकते हो और दूसरा आपके पास एक और वेरिएशन है पॉन टेक्स पॉन डी थ्री, लेकिन मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा डी टेक्स सी थ्री इज गुड, डी टेक्स सी थ्री में आफ्टर रुक टेक्स ए सिक्स, आप सोचोगे कि यहाँ पे हम तो दो दो पॉन माइनस हो चुके, दो दो पीस डाउन हो चुके हैं, लेकिन तुरंत आपको बैकअप मिल रहा है बिशप टू बी फोर और फिर से ये ट्रेड है पॉन टेक्स पॉन और पॉन टू सी टू, क्वीन बिशप सपोज बिशप वाइट यहाँ पे करेगा कैसलिंग सपोज, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्वीन टेक्स ई टू कर देना है क्योंकि रुक ई वन पॉसिबल नहीं है अभी, और भी बहुत सारे थ्रेड्स है आपके पास, पॉन पुश की भी थ्रेड है, तो ये कम्प्लीटली आपके फेवर में है। तो ये थी मेन लाइन बिशप सी फोर वाली, अगले वीडियो में और भी बहुत सारी ओपनिंग देखनी है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वन बाय वन बहुत सारे वीडियोस बहुत सारी ओपनिंग्स कंटिन्यूस मैं बनाता रहूँगा आपके लिए, चैनल से जुड़े रहिए, जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।